हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुरातन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ई क्लासेस। बच्चों, हम पढ़ रहे थे एक्टिव पैसिव के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव के इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंपरेटिव सेंटेंसेस ये वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, किसी से कोई परमिशन लेते हैं, वो इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। आज्ञा देना, आज्ञा लेना, विनती करना, प्रार्थना करना, ये आता है इंपरेटिव सेंटेंसेस में। तो इन सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करते समय हम क्या क्या चेंजेस करते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट तो हमें इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जो एक्टिव होता है, एक्टिव में सबसे पहले आती है मैं, एमवी फर्स्ट आएगी। एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। पैसिव में जब इसे चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम लेट लगाते हैं, लेट प्लस द ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस एम बी थर्ड प्लस अदर वर्ड्स, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अपना पैसिव वॉइस बनाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखें, या इसका एक नेक्स्ट टाइप और है, ये है आपका, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, द ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस एम बी थर्ड, ये भी करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखें, एक्टिव में सेंटेंस है आपका, ओपन द शॉप। ओपन द शॉप पैसिव में से चेंज करेंगे तो सबसे पहले लेट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका द शॉप, लेट द शॉप, बी आ जाएगी बी, और इसके बाद में एमवी थर्ड। एमवी थर्ड फर्स्ट की बनेगी, फर्स्ट है ओपन, ओपन की हो जाएगी ओपन, लेट द शॉप बी ओपन। अब इस फॉर्मूले से अगर हम बनाएं तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द शॉप शुड बी एमबी थर्ड ओपन। इन सेंटेंसेस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है यू, वो छिपा रहता है, उसे हम बाहर निकाल कर नहीं लाते, लेकिन लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन इतना ही सही है। तो आप बाय यू चाहे, जैसे द शॉप शुड बी ओपन बाय यू, ये भी कुछ लोगों ने माना है, लेकिन यदि आप उसे छिपाना चाहते हैं तो छिपा लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी सेकंड पर्सन को कोई ऑर्डर देते हैं या उससे कोई परमिशन मांगते हैं तो हम कभी भी उसका ये नहीं कहते तुम ऐसा करो। अगर हम भोजन कर रहे हैं और जो हमें खाना देने वाला है तो उससे हम कह देते हैं ये देना ये देना, ये नहीं कहते हैं तुम ये देना, तो तुमको हम हाइड करके रखते हैं। क्लास में भी जब हम किसी को इंडिकेट करते हैं और किसी को ऑर्डर देते हैं स्टैंड अप, तो उससे कहा मोहन स्टैंड अप,
मोहन खड़ा हो गया, ये नहीं कहेंगे मोहन तुम खड़े हो जाओ, क्योंकि मोहन को तो समझ जाना चाहिए कि सर मुझसे कह रहे हैं। तो जब भी हम सामने वाले से कहते हैं तो हम यू को छिपा कर चलते हैं। तो ये आपका हो गया द शॉप शुड बी ओपन। तो ये दोनों टाइप से हम बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हेल्प द पुअर, पैसिव में से चेंज करेंगे, अपनी तरफ से लेट लगा देंगे, लेट ऑब्जेक्ट है हमारा पुअर, तो लेट द पुअर, इसके बाद आ जाएगा बी और एमवी थर्ड, तो एमवी थर्ड है हेल्प्ड, तो लेट द पुअर बी हेल्प, और इससे बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ये हो जाएगा। इस तरह से हम इंपरेटिव सेंटेंस के जो एक्टिव होते हैं उन्हें पैसिव में चेंज करते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो एक्टिव है वो निगेटिव में भी आ जाता है, और जब वो निगेटिव में आता है तो जो सेंटेंस होता है वो डू नॉट से या फिर नेवर से स्टार्ट होता है। जैसे डू नॉट ओपन द डोर, डू नॉट ओपन द डोर, लेट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा लेट द डोर, और इसमें नॉट आ जाता है लेट द डोर, नॉट, नॉट के बाद बी, नॉट बी ओपन, तो केवल नेगेटिव आ जाता है, डू को हम हटा देते हैं, तो लेट द डोर नॉट बी ओपन, अगर इसमें बनाएंगे तो द डोर शुड नॉट बी ओपन, ये कर देंगे। तो डू नॉट से भी हम सेंटेंस पैसिव में चेंज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देखें, डू नॉट टीज द एनिमल्स, डू नॉट टीज द एनिमल्स, तो जगह लेट द एनिमल्स, लेट द एनिमल्स, फिर क्या हो जाएगा नॉट, नॉट के बाद बी, फिर एमबी थर्ड, एमबी थर्ड क्या है टीज, और टीज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टीज, टीज मीन्स होता है तंग करना परेशान करना, तो डू नॉट टीज द एनिमल्स, लेट द एनिमल्स नॉट बी टीज्ड। इस तरह से निगेटिव में भी आते हैं और निगेटिव में आए हुए सेंटेंसेस को हम इस टाइप से पैसिव में चेंज कर देते हैं। अब सपोज मान लीजिए आपका जो सेंटेंस है वो इस टाइप का ना हो, प्लीज स्टार्ट हुआ हो, प्लीज प्लीज ओपन द डोर, प्लीज रिक्वेस्ट फील कराता है। तो यदि आपके एक्टिव में प्लीज आया हो या आपको सेंटेंस से कोई रिक्वेस्ट हो, एडवाइस का सेंस लग रहा हो, ऑर्डर का सेंस लग रहा हो, तो सेंटेंस हम जो स्टार्ट करते हैं वो करते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना हम अपनी तरफ से लगाते हैं, और ये यू आर रिक्वेस्टेड टू किसकी जगह आ गया, प्लीज की जगह पर, यू आर रिक्वेस्टेड टू इतने में बदल गया। इसके बाद में जो सेंटेंस रेस्ट सेंटेंस है उसको हम एज इट इज रख देते हैं, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू,
ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, ये कर देते हैं। मान लीजिए आपका जो सेंटेंस है उसमें एडवाइस आ रहा हो, जैसे प्लीज हेल्प द पुअर, ये एक एडवाइस है कि भाई हमें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, तो यू आर एडवाइज्ड टू। अब यहां ऊपर वाले में हमने रिक्वेस्टेड किया था, नीचे एडवाइज्ड किया है, क्योंकि इसमें एडवाइस का सेंस है, तो यू आर एडवाइज्ड टू। अब ये प्लीज चेंज हो गया इतने में, सेंटेंस कितना बचा, हेल्प द पुअर, वो एज इट इज, हेल्प द पुअर, तो यू आर एडवाइज टू हेल्प द पुअर। तो इस तरह से, इस टाइप से हम अपने एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं। इतने ही ये सेंटेंस आते हैं तीन टाइप से, फर्स्ट जिसमें नॉट नहीं हो, सेकंड डू नॉट वाला, और थर्ड आता है जिसमें हमें रिक्वेस्टेड एडवाइस या ऑर्डर का सेंस मिलता है। तो ये सेंटेंसेस करते समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसमें हमें किस टाइप की फीलिंग आ रही है, और जैसी फीलिंग होगी वैसा ही हमारा जो वर्ड है वो लगा देंगे। अगर एडवाइस की होगी तो एडवाइस्ड कर देंगे, रिक्वेस्ट की होगी तो रिक्वेस्टेड कर देंगे, ऑर्डर की होगी तो ऑर्डर्ड कर देंगे, या फिर इस टाइप का नहीं है तो लेट से या इस टाइप से बना देते हैं और अपने पैसिव वॉइस बना देते हैं। तो ये इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं, इनको अच्छी तरह से करें, बोर्ड एग्जाम में इसमें से सेंटेंस कई बार आए हैं, तो इसी तरह से देखते रहें और अपना वर्क कंप्लीट करते रहें। थैंक यू।